कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है बोनांजा कमोडिटीज के विभु रतनधारा और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले फोकस रुपए पर करते हैं क्योंकि आज काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। रुपया करीब 0.5% से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। $1 की कीमत 63.10 रुपए के पास आ चुकी है। दरअसल भारत का फॉरेक्स रिजर्व $343 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक FY17 वित्त वर्ष 2017 में भारत की ग्रोथ रेट 7.9% रह सकती है। ये भी कहा है कि कमजोर मानसून के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन है। मनोज, फेड की बैठक है और इसके पहले रुपए की मजबूती कितनी टिकाऊ लग रही है और फेड की बैठक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नमस्कार मुक्ता, बिल्कुल फेड की बैठक में इस बार इतना कुछ विशेष निकल कर आने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो है लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स आए थे और जैसा कि जो मेंबर्स ने अंदेशा जताया था कि जो ब्याज दर है उसमें अभी वर्तमान जो है देखा जाए तो आने वाले समय में ही हो सकता है कि सितंबर या उसके बाद ही ब्याज दरों में इजाफा करने का जो है डिसीजन लिया जाए, तो अभी ये मीटिंग में ऐसा कोई चीज निकल कर नहीं आने वाला है। दूसरा, जो क्वार्टरली जो GDP के नंबर्स US के आने वाले हैं उसमें भी थोड़ा जो है गिरावट का अंदेशा देखा जा रहा है, तो उसी की वजह से हमने जो है US डॉलर में भी जो है डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आते हुए देखा है और यूरो में फिर एक बार जो है बढ़त देखने को मिली है और इसी का जो है फायदा रूपी को भी मिलता हुआ दिखा है। और जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो आने वाले समय में कम रहने की वजह से उसका सीधा फायदा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा और उसी लिहाज से जो है हमने रूपी में जो है वापस से एक बार मजबूती लौटते हुए देखी है। तो जहां तक रूपी के आउटलुक का सवाल है, हमारा मानना है कि 63.40-63.50 जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल रहेगा आने वाले समय में और उसके ऊपर जो है रूपी में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो डाउन साइड है वो भी जो स्ट्रेंथ है वो भी 62.80 या 62.70 के आसपास ही जो है एक रेंज देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा बढ़त भी रूपी में वर्तमान स्तरों पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन गिरावट भी नहीं देखने को। ओके, तो अगर आज की बात करें, वर्ल्ड बैंक तो काफी कॉन्फिडेंट है इंडियन इकोनॉमी पर आपको क्या लगता है मार्केट बंद होने से पहले रुपए पर क्या रणनीति होनी चाहिए? USD INR फ्यूचर में जो है बिकवाली करके ही चलना चाहिए और नीचे में 63 या 62.90 के जो है टारगेट रखना चाहिए आज या कल तक के लिए। ऊपर में एक स्टॉप लॉस जो है 63.40 का रखना चाहिए। ओके, लेकिन अब हमारे साथ विभु भी हैं। विभु, रुपया जिस तरह से एक्ट कर रहा है, कमोडिटी मार्केट खास करके सोने और चांदी में क्या करना चाहिए? सोने या चांदी की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि रुपये की यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट सोने और चांदी में आज हमने देखी हुई है। आने वाले दिनों की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फेड के ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे डिपेंड रहेगा। आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल ये अंदेजा जताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे फेड कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, बट यहाँ पे ये चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि फेड की ओर से हमें कोई कमेंट देखने को मिले, बिकॉज कि जो हमने पिछले महीने में जो हमने US के डेटा देखे थे, जैसे कुछ यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल भी हमने देखा था या अदर्स जो कुछ डेटा देखे थे, या आने वाले हफ्ते में जैसे कि यहाँ पे GDP नंबर्स या उसके जो डेटा की भी बात करें, तो वहाँ से हमें जो आउटकम या जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है उसको देखते हुए बिल्कुल फेड की ओर से कुछ यहाँ पे कमेंट जरूर देखने को मिल सकता है कि इकोनॉमी को लेके कैसा यहाँ पे स्टैंड रह सकता है या तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेके क्या स्टैंड हो सकता है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि गोल्ड टिल टुमारो मीन्स आज और कल जो फेड की मीटिंग है कल तक मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही गोल्ड रहना चाहिए। आने वाले दिनों की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के ऊपर एक थोड़ा सा अपसाइड हमें रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज कि यहाँ पे फेड की ओर से कोई हमें क्लियर स्टैंड नहीं देखने को मिल सकता है और ये चीज़ मुझे लग रही है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग को लेके एक बार गोल्ड को फिर से अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से मुझे लग रहा है कि एक बार 27,400 से 27,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
ओके, लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक को तो भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा है, लेकिन भारतीय सरकार ने भी दावा किया है कि कमजोर मॉनसून के बावजूद वो महंगाई को काबू में रख पाएंगे। हालांकि पिछले 15 दिनों में दाल की कीमतें काफी तेज बढ़ी हैं, करीब करीब 20% की तेजी में यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इससे महंगाई को आगे हवा मिलेगी। ऊपर से दालों पर से स्टॉक लिमिट खत्म करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। अरहर की दाल 110 रुपए किलो, मूंग दाल 130 रुपए किलो, चने की दाल 75 रुपए किलो। दालों की ये कीमत फिर से महंगाई की आग को हवा दे सकती है। पिछले सिर्फ 15 दिनों में इनके भाव करीब 20% तक उछल गए हैं। इस साल पैदावार कम है, लेकिन बम्पर इंपोर्ट से 1.5 महीने पहले तक दालों की कीमतें कंट्रोल में थीं। लेकिन अब कमजोर मॉनसून की आहट मार्केट पर रंग दिखाने लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट खत्म करने का फैसला सरकार के मार्केट इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रहा है। एकरेज कम है, बुआई कम हुई है, उत्पादन कम है इस साल, वो जानते हैं तो भाव बढ़ना ही है। मैं समझता हूँ कि इससे भी चना का भाव जो है 4,200 रुपया है प्रति क्विंटल, उससे और बढ़ गया तो जरूर सरकार को कदम उठाने में कोई मजबूरियां आएंगी। देयर विल बी प्रोबेबली स्टॉक लिमिट दोबारा लगाया जाएगा। बाजार के जानकार भी मान रहे हैं कि मॉनसून के आने तक चने का दाम और बढ़ेगा, ऐसे में दालें किचन का बजट बढ़ा सकती हैं। सेंटिमेंट्स ड्रिवन मार्केट है काफ़ी हद तक, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 4,300, 4,350, 4,400 रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। पिछले दो साल तक महंगाई में दालों का कोई योगदान नहीं था, अब महंगाई काबू में है लेकिन दालों की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। बेशक इस साल भी अगर मानसून कमजोर रहा तो महंगाई की आग को हवा मिलनी तय है। नीरज राय, मुंबई। मनोज भी है हमारे साथ। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार भले ही कॉन्फिडेंट है लेकिन अगर हम मार्केट देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। चाहे आप दालों की बात करें या फिर बाकी एग्री कमोडिटीज में तो काफी तेजी आते हुए दिखाई दी है, तो आप किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं, खास करके दलहन का? बिल्कुल मुग्धा, दलहन पे जैसा कि पहले भी कई बार जो है हम बात कर चुके हैं आप ही के चैनल के माध्यम से, और इनफेक्ट जो है अगर 3-4 महीने अगर पहले की बात करें तो वहां से ही जो है आउटलुक दलहन का इस साल जो है तेजी का लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमने दलहन का जो एकरेज कॉटन में शिफ्ट होते हुए देखा था महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स में, उसके बाद से जो चने की फसल है उसके भी एकरेज में लगभग 15 से 16 लाख हेक्टेयर की जो है एकरेज में कमी आई थी, और उसके बाद में बेमौसम की जो बारिश हुई है उसकी वजह से भी लगभग 25 से 30% जो है फसल को डैमेज हुआ है। तो ये काफी सारे जो है कारण थे जिसकी वजह से कीमतों को सहारा मिलते हुए दिखा है। और एक और चीज ये देखने को आई है कि जो बेमौसम बारिश हुई है उसकी वजह से जो वेजिटेबल की जो स्टैंडिंग क्रॉप थी उसको भी काफी नुकसान हुआ है, तो उस लिहाज से भी जो है पल्सेस का डिमांड जो है बढ़ता हुआ जो है दिख रहा है, और अभी ये कंजम्पशन पीरियड होने की वजह से आने वाले समय में भी जो है डिमांड बरकरार रहेगी, तो उस लिहाज से भी 1 से 2 महीने का अगर हम नजरिया लेके चलें तो दलहन में जो ये तेजी है स्टेबल रह सकती है। और इनफैक्ट चना की अगर बात करें तो यहाँ से भी लगभग 100 से 200 रुपए की तेजी और आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त चने में क्या करना चाहिए, कमोडिटी बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए चने पर? देखा है कि काफी अच्छा एक रनअप जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है, तो उस लिहाज से अभी वर्तमान स्तरों पर जो है नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। कहीं भी करेक्शन में कीमतें एक बार 4,100 या 4,120 के आसपास आवे तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए, 4,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में कीमतें एक बार 4,350 से 4,400 तक जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती। ओके, तो ये सलाह है चने पर, लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपके सवाल जवाब का सिलसिला, साथ ही एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, आज के हॉट पिक्स पर नजर डालते हैं। मनोज, आपके मुताबिक आज की हॉट पिक्स क्या है? हमारी दोनों ही हॉट पिक जो है वो इक्वली की रहेगी मुग्धा। जिस समय हमने कॉल बनाई थी तो ग्वार सीड जो है लगभग 5,170-80 के आसपास ट्रेड कर रहा था,
अभी थोड़ी गिरावट जो है बढ़ गई है, इनफेक्ट जो है लोअर सर्किट के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, फिर भी अगर थोड़ा सा इसमें उछाल आता है 5150 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए, नीचे में 5000 और उसके नीचे 4940 तक जो आने वाले समय में कमोडिटी देखने को मिल सकती है। दूसरी हॉट पिक होगी सोयाबीन जून कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें भी 4060 के आसपास जो है बिकवाली करके चले, नीचे में टारगेट होगा 3980 का, 4120 का एक स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आज के लिए हॉट पिक्स, लेकिन इसी के साथ शुरू करते हैं आपके सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल चने पर ही है, संजीव अग्रवाल मध्य प्रदेश से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार अग्रवाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका। नमस्कार, मैं मेरे पास में 2000 क्विंटल चना है, मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, तो ये 3925 का मेरा खरीदा हुआ है चना। ओके, हम समझते हैं मनोज से। मनोज, इनके पास फिजिकल में चना है 3925 के आसपास, इनकी बाइंग है, मुनाफे पर है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो वर्तमान स्तरों पर हम देख रहे हैं लगभग 300 से 350 रुपए का मुनाफा इनकी पोजीशन में इनको मिल रहा है, तो यहाँ पे इनको कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट लेना चाहिए, मे बी 40-50%, और फिर से एक बार जो है थोड़ा सा गिरावट का जो है वो रखना चाहिए, और कहीं भी 4000 से 4100 के बीच में कीमतें आवे तो वहाँ फिर अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करना चाहिए, और जो रिवाइज जो है जो वापस से पोजीशन अपने निचले स्तरों पर बनाए, आने वाले समय में कीमतों में और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, कीमतें 4350 से 4400 तक जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से रन अप आया है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का भी जो है बिल्कुल अंदेशा है, तो वो हो सकता है कि आज या कल एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले, तो यहाँ पे इनको आधी पोजीशन में जो है अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सलाह है आपके लिए चने पर। लेकिन अगला सवाल लेते हैं, एसएमएस है रायपुर से ओमकार सिंह अरोड़ा जी का। इनका सवाल है सोने पर, एक लॉट इन्होंने सोना बेचा है 26,610 के स्तर पर। विभु, क्या सलाह देंगे आप इनको, क्या करना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें? ये 26,610 वाला लेवल मुझे नहीं लग रहा है कि एक यहाँ पे कोई लंबा होगा, हालांकि एक रेंज में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोल्ड। शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे एक 27,150 का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। 27,150 अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि नीचे में एक बार फिर से 26,800 से 26,900 की रेंज देखने को मिल सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए बिफोर फेड की आउटकम के, बिकॉज यहाँ पे फेड की आउटकम में अगर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर से यहाँ पे फोकस होगा इकोनॉमी के ऊपर। अगर यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के डेटा जो काफ़ी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है तो उसका मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट होगा, और गोल्ड के ऊपर बुलियंस के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे फेवरेबल होगा, तो फिर से हमें वहाँ पे एक रनअप देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन मिल रहा है सम अराउंड 26,800 या 26,900 वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो सोने में यहाँ पर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सोने के लोअर लेवल्स पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का मन बनाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, महाराष्ट्र से महादेव जी का, महादेव देशपांडे जी का सवाल है। नमस्कार महादेव जी, बताइए सवाल क्या है आपका। ओके, उनका संपर्क हमसे टूट गया है, उनका सवाल ले लेते हैं। कपास खली है उनके पास 30 लॉट 1500 के भाव पर। मनोज, क्या सलाह देंगे? कपास खली ने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है पिछले कुछ दिनों में, अभी इनके लिए क्या सलाह है? बिल्कुल, वर्तमान स्तरों पर जो है एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 1800 से 1810 का जो स्तर है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, और हमने देखा है कि कीमतें उसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पा रही, और वहां से वापस जो एक थोड़ा सा प्रेशर जो बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सीबीओटी की अगर बात करें तो वहां पे कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले दिनों एक अच्छी रैली देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से जो अनुमान निकल कर आए थे कि इस बार जो है मानसून में थोड़ी जो है कमजोरी देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से सारे कमोडिटी पैक में एक तेजी देखने को मिली थी, तो वर्तमान स्तरों पर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग। जी मनोज, आपको एक मिनट यहां रोकना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया के नतीजे आ चुके हैं, मुनाफे का आंकड़ा हमारे सामने 492 करोड़ पर निकल कर आया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि उम्मीद थी 840 करोड़ की, तो उससे काफी आगे निकला है मुनाफे का फिगर, 942 करोड़ पर निकल कर आया है मुनाफा। आज भारती और आइडिया दोनों के ही नतीजे थे, और आइडिया से एक्सपेक्टेड था काफी अच्छे रिजल्ट्स, और उन्होंने एक्सपेक्टेशन को सरपास किया है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट।
942 करोड़ का मुनाफा 840 के अनुमान के कंपैरिजन में, तो एक वेरी गुड सेट ऑफ वेरी गुड प्रॉफिट फिगर। और डिटेल्स का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल आइडिया चौथी तिमाही में बहुत बढ़िया मुनाफा लेकर आया है। 944 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर निकल कर आया है, 942 करोड़ का मुनाफा निकल कर आया है और 880 करोड़ का अनुमान था। और आय का फिगर भी अब आपके सामने 8422 करोड़ पर, जबकि 8396 का एक्सपेक्टेशन थी और वहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है एक्सपेक्टेशन से। तो उम्मीद की जा रही है, लॉजिकल कंक्लूजन होगा कि शायद उन्होंने मार्जिन एक्सपैंड किया है, बट लेट्स सी। 8422 उन्होंने आय का फिगर दिया है, 8396 करोड़ का अनुमान था, तो वहाँ पर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। गुड नंबर्स एक्सपेक्टेड थे आइडिया से, और आप देख सकते हैं स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। आज 3.25% की बढ़त के साथ स्टॉक मार्केट में बंद हुआ है, और उसके पहले रिजल्ट्स के पहले ही बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छे फिगर्स निकल कर आएंगे। कंसोलिडेटेड एबिटा निकल कर आया है 3064 करोड़ पर, अगेन एक अच्छा फिगर यहां पर। एबिटा लेवल पर भी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आई है, मुनाफे का फिगर लेकिन बहुत ही बढ़िया, 942 करोड़ इन कंपेयर टू द 840 करोड़ विच वॉज एक्सपेक्टेड। डिटेल्स लेकर आएंगे जल्द ही, यहाँ पर एनालिसिस भी लेकर आएंगे हमारे साथ, यहाँ पर जुड़ेंगे अविनाश गोरक्षकर और भावेश गांधी, लेकिन पहले भावेश से बात करते हैं। भावेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। प्रामा फेसी बहुत बढ़िया नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 942 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि पोल था काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का, 840 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, उसके कंपेरिजन में 942 का प्रॉफिट फिगर, बट इन टर्म्स ऑफ आय ऑल्सो इनकम में भी काफी अच्छी बढ़त आई है, वहां पर भी एक्सपेक्टेशन को मार्जिनली सरपास करता हुआ दिखाई दिया है आइडिया। क्या वर्क किया होगा और आपके मुताबिक प्राइमा फेसी कैसा देख रहे हैं ये नंबर्स? आई थिंक ऑब्वियसली नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही आए हैं, और रेवेन्यूज, मार्जिन और प्रॉफिट तीनों हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आए हैं। एटलीस्ट ऑन द रेवेन्यू एंड द मार्जिन फ्रंट हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं, बट प्रॉफिट के लिए ऑल प्राइमा फेसी हमारे एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा आए, बट वेर डू के फॉरेक्स का एंगल क्या है, एक्सेप्शनल, बट ये हेडलाइन नंबर्स आर अबव आवर एस्टिमेट। पर आपको क्या लगता है, क्या मेजर रीजंस हैं, क्या कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दिया होगा आइडिया के इस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में? देखिए, डिटेल्स अवेटेड है, आई हैवंट हैड अ चांस टू लुक एट द डिटेल्स, दिस रिजल्ट्स हैव जस्ट कम आउट, बट सिंस ऑपरेटिंग मार्जिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली रेवेन्यू और रेवेन्यू बीट भी है, तो वी कुड हैव सीन सम ऑपरेटिंग लीवरेज कीक इन एंड द अंडरलाइंग ट्रैफिक ग्रोथ एज वेल एज डेटा ग्रोथ इज लाइकली टू बी रोबस्ट, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, तो डेटा ग्रोथ अच्छी रही होगी, तो जो उसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये बेहतर नतीजे निकल कर आए हैं। लेकिन भावेश, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है उसमें भी आप इंक्रीज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? सॉरी, कम अगेन। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू, उसमें भी बढ़त की उम्मीद की है क्या? कहना मुश्किल उसके बारे में, अनलेस द रिजल्ट्स अनलेस अवेलेबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट मीन कि कौन से पैरामीटर पे बीट आया है विद इन द रिजल्ट। जैसा मैंने कहा, हेडलाइन नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे हैं। ओके भावेश, बहुत बहुत धन्यवाद इतने क्विकली अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड ऑब्वियसली उनको और डिटेल में देखना होगा टू से फाइंड आउट कि क्या रीजंस हैं बेहद बढ़िया परफॉर्मेंस के, लेकिन अभी फिलहाल एनालिसिस यही कि काफ़ी अच्छे नतीजे। कंसोलिडेटेड मार्जिन का फिगर भी आपके सामने 36.4%, जबकि 34% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, तो काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी ने दिखाया है। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार पर नजरें रहेंगी।
आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब अगले कॉलर से बात करते हैं। दीपक का फोन है महाराष्ट्र से। नमस्कार दीपक, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने सोयाबीन 3,250 से लिया था मैडम, 300 बोरी, तो वो मैडम अभी बेचने का है, तो अभी बेचने के लिए ठीक रहेगा कि और थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा? ठीक है मनोज, क्या सलाह होगी? सोयाबीन 3,250 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है, सोयाबीन में भी अच्छी बढ़त आई है, क्या लगता है इनको और होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक? नहीं बिल्कुल, वर्तमान स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो खबरें निकल कर आई थी, दो तीन कारण थे तेजी के। एक तो ब्राजील में हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी, दूसरा रीजन चाइना ने जो है CRR में कट किया था, और तीसरा जो रीजन था कि जो मानसून में कमी का अंदेशा लगाया गया था भारत में, तो उसकी वजह से हमने अच्छा रनअप ये कमोडिटी में आते हुए देखा है, और 4,000 के ऊपर अभी कीमतें ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुमान है कि कीमतों में एक बार फिर से जो गिरावट देखने को मिल सकती है, और आने वाले समय में कहीं भी कीमतें 3,850 के आसपास देखने को मिल सकती है। ओके, तो काफी अच्छी तेजी देखी है सोयाबीन में, तो आपके लिए सलाह यही है कि आप मुनाफा यहाँ पर बुक कर लें। लेकिन इसी के साथ हमारा वक्त हो गया है अपने एक्सपर्ट से इजाजत लेने का। विभु और मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे लिए, हमारी तरफ से नमस्कार।